अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पर्थ टेस्ट मैच में 32 शिकस्त के बाद पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में बड़ी तब्दीलियां। दोस्तों कौन कौन सी तब्दीलियां हो गई और किन के इम्कान हैं, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच मेलबर्न टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 में बड़ी तब्दीलियों के इम्कान हैं। पर्थ टेस्ट मैच में शिकस्त के बाद पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में तब्दीलियों की बाज़गश्त सुनाई देने लगी। मेलबर्न में 26 दिसंबर से शुरू होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट में पाकिस्तानी टीम में 3 तब्दीलियों का इम्कान है। इंजरी का शिकार होने वाले खुर्रम शहजाद, विकेट कीपर सरफराज अहमद और ऑलराउंडर फहीम अशरफ मुमकिन तौर पर प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। सीनियर विकेट कीपर सरफराज अहमद ने पर्थ टेस्ट मैच में महज 7 स्कोर रन्स किए, जबकि स्टंप के पीछे 2 मौके भी ज़ाय किए। उनकी जगह मोहम्मद रिजवान, जबकि फहीम अशरफ की जगह साजिद खान को स्क्वाड में शामिल करने के इम्कानात हैं और किया जा सकता है। इंजरी के बायस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से बाहर होने वाले खुर्रम शहजाद की जगह हसन अली या मीर हमजा को पाकिस्तान 11 का हिस्सा बना सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने गुज़िश्ता रोज़ आगाह किया था कि खुर्रम शहजाद पसली में स्ट्रेस फ्रैक्चर का शिकार है, जिसकी वजह से वो सीरीज से बाहर हो गए हैं। उन्होंने पर्थ टेस्ट के दौरान अपना डेब्यू करते हुए स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श, डेविड वार्नर और मार्नस लबुशन की विकेटें हासिल की थी। दोस्तों प्लेइंग 11 के लिए मुकम्मल ऐलान अभी तक नहीं हो सका और कौन कौन से खिलाड़ी होंगे ये प्लेइंग 11 में बताया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों एक बार फिर वाजे करते जाएंगे, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान अभी तक नहीं किया गया। मोहम्मद रिजवान की तो सीट पक्की नज़र आ रही है। इसके बारे में आपका कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।